नमस्कार दोस्तों, नेचुरल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। कटहल, दोस्तों कटहल को दुनिया के चुनिंदा सबसे बड़े और भारी फलों में गिना जाता है। यह फल पकने पर बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट लगता है। खासकर भारत में इस फल से सब्जी, अचार और कई तरह के जायकेदार व्यंजन बनाए जाते हैं। कटहल कई औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके अंदर का भाग सफेद होता है तथा पकने के बाद अंदर का हिस्सा पीला होने लगता है। जब कटहल कच्चा होता है तो इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है, परंतु जब यह पकने लगता है, अंदर का हिस्सा पीला होने लगता है, तो इसका सेवन फल के रूप में किया जाता है। कटहल के पके हुए बीजों को तेल में तलकर भी खाया जा सकता है। कटहल में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट होने के साथ दिल व आँखों से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आने का खतरा कम रहता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके सेवन से मिलने वाले बेहतरीन गुणों के बारे में। मगर उससे पहले जानते हैं इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में। दोस्तों, इसमें विटामिन ए, B6, सी, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, फोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। अब जान लेते हैं इसके सेवन से मिलने वाले फायदों के बारे में। पेट रखे स्वस्थ। दोस्तों, इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया सही रखने में मदद करता है। ऐसे में पेट दर्द, कब्ज, अपच, एसिडिटी आदि समस्याओं से बचाव रहता है। दिल रखे स्वस्थ। दोस्तों, कटहल में कैलोरी नहीं होती है। यह दिल के रोगियों के लिए उपयोगी माना जाता है। कटहल में पोटेशियम पाया जाता है, जो दिल की हर समस्या को दूर करता है, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। डेंगू मलेरिया से करे बचाओ। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के अनुसार कटहल का सेवन करने से डेंगू मलेरिया की चपेट में आने का खतरा कई गुना कम होता है। ऐसे में इसे फल या सब्जी के तौर पर डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आंखों के लिए फायदेमंद। इसके सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ने के साथ साथ इससे जुड़ी परेशानियां कम होने में मदद मिलती है। पोषक तत्वों से भरपूर कटहल आंखों की आर्टरी को संकुचित होने से बचाता है। एनीमिया को रोकने के लिए। दोस्तों, खून की कमी होने से एनीमिया को जन्म मिलता है। ऐसे में खास तौर पर एनीमिया के मरीजों को इसे अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है। कटहल एनीमिया को रोकने के लिए फायदेमंद है। कटहल में आयरन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा देता है। कटहल में विटामिन सी उच्च मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है। इसमें खनिज तत्व जैसे तांबे और मैग्नीशियम रक्त की गुणवत्ता को बढ़ाकर उसमें सुधार करता है। कटहल पोषण प्रदान करने का औषधीय गुण माना गया है। कटहल का सेवन करने से सुस्ती, लगातार थकान होना और कमजोरी को भी दूर करता है। वजन कम करने में मददगार। दोस्तों, कटहल में एंटी फ्लेमेंट्री गुण होते हैं। यह गुण वजन को कम करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। वजन के बढ़ने से कई हानिकारक बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। वजन का बढ़ना मधुमेह, कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियों को जन्म देता है। कटहल का सेवन करके इन बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। दोस्तों, कटहल विटामिन सी से समृद्ध होता है। विटामिन सी की मात्रा शरीर में भरपूर होने से मोटापे को कम करने में मदद करता है। मोटापा शरीर को नुकसान पहुँचाता है। शरीर में वसा की मात्रा ज्यादा होने से मोटापे को जन्म देता है। कटहल में रेस्वेट्रोल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। यह तत्व वजन, फैट, BMI को कम करने में सहायक होता है। कटहल का सेवन करने से वजन को कम किया जा सकता है और कंट्रोल करने में भी आसानी होती है। एनर्जी बढ़ाई। दोस्तों, इसके सेवन से एनर्जी बूस्ट होने में मदद मिलती है। पोषक तत्वों से भरपूर कटहल कमजोरी व थकावट को दूर करके दिन भर एनर्जेटिक फील कराने में मदद करता है। साथ ही सर्दी, खांसी व मौसमी बीमारियों से बचाव रहता है। इम्यूनिटी करे बूस्ट। दोस्तों, कटहल में सभी जरूरी तत्व होने से इम्यूनिटी बूस्ट होने में मदद मिलती है। ऐसे में सर्दी, खांसी, जुखाम, मौसमी बुखार, फ्लू आदि के होने का खतरा कम रहता है। इसके साथ ही कोरोना की चपेट में आने से भी बचाव रहता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर कटहल शरीर में बैक्टीरिया को मारने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। हड्डियों को भी करे मजबूत। दोस्तों, कटहल में मौजूद मैग्नीशियम और कैल्शियम तत्व मांसपेशियों व हड्डियों में मजबूती लाने में मदद करता है।
ऐसे में बच्चों व अधिक उम्र के लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों यदि आप चाहते हो आगे भी इस प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। वह इसलिए कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।